अभी मैं पूछ रहा था कुछ बच्चों के मार्क्स, तो वो कोई 78, 79, 89 बोल रहा था, तो नंबर बुरे नहीं है, बट अगर ये मार्क्स 12th में आते हैं तो कॉलेज स्टैंड नहीं करता, तो चाहिए कैसे 97, 98, 99, 100 बोलने में थोड़ा अच्छा लगे, अगर वो भी बोल दो तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ, पर टेक्निकल लेवल है ध्यान से सुनना, नहीं मेरे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम का चैप्टर है, नेशनल इनकम का मीनिंग बोलना चाह रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले समझा रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड गुड्स के बारे में एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, गुड बड़ा टेंजिबल जिसकी शेप होती है, सर्विसेज के बारे में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इसकी शेप होती है, गुड्स की सर्विसेज की कोई शेप नहीं होती, ये गुड्स एंड सर्विसेज इस दुनिया में दो प्रकार के पाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज नए वाले ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा दोबारा, गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रकार की होती है, एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सिर्फ नेशनल इनकम में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आती है यानी इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमें सीखना पड़ेगा कौन सी गुड्स होती है फाइनल गुड और कौन सी गुड्स होती है इंटरमीडिएट गुड, एक एग्जांपल बोलता हूं ताकि बात समझ में आ जाए, फिर इसकी लैंग्वेज याद करना चाह रहे हैं, तो किसी भी वस्तु को देखकर बताना मुश्किल कि वो फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड, उसके यूज को देखकर बताया जा सकता है उसके कि वो फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड, इफ पेंसिल यूटिलाइज बाय द स्टूडेंट इन हाउस फॉर प्रैक्टिसिंग द एग्जाम इट इज फाइनल गुड बिकॉज यूज बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन, इफ सेम पेंसिल यूटिलाइज बाय द टीचर इन क्लासरूम फॉर द स्टडी पर्पस इट इज इंटरमीडिएट गुड यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, so never be included in the calculation of national income, तो मैं final goods और intermediate goods की चर्चा करना चाह रहा हूँ, एक एक नंबर के लिए विद एग्जाम्पल मीनिंग चल रहा है नेशनल इनकम का, फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन, लिखवा चुका हूँ किसी की कॉपी से उतार लेना, एग्जाम्पल मैंने बोला था फाइनल गुड्स का क्या, साइकिल टायर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर रिपेयरिंग द साइकिल रिपेयरिंग द, और फाइनल गुड्स ऑलवेज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर ड्यूरिंग द या तो कच्चा माल खरीदो बना बना के बेचो, या 2 रुपए का लिया 3 में बेच दिया, 3 का लिया 4 में बेच दिया, कोई आप शेप चेंज नहीं कर रहे हैं जिसे रीसेल बोलते हैं, ये दोनों ही बातें क्या है इंटरमीडिएट गुड्स, और ये कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है, इसका एग्जांपल है साइकिल टायर परचेज बाय साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अरे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टायर खरीदेगी साइकिल बना बना के बेचने के लिए, तो मैं वापस अपने शब्द पर आ रहा हूँ नेशनल इनकम पर, मैंने बता दिया नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आती है, अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉब्लम क्या है, ये चीजें लीटर में नापी जाती है, किलोग्राम में नापी जाती है और मीटर में नापी जाती है, एंड लीटर मीटर किलोग्राम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, लीटर किलोग्राम मीटर को प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, तो इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म में जिसको कैलकुलेट किया जा सके, उसे बोलते हैं पैसा, तो हम इस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या निकाल रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू, और ये कैलकुलेशन हम एक दिन एक महीने की नहीं करेंगे, एक साल की करेंगे, ये साल कैलेंडर ईयर नहीं है, ये साल अकाउंटिंग ईयर है, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल 31, और ये सारी कमाई मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंटिंग ईयर किसकी लेंगे, फिर टेक्निकल लेवल आ रहा है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए, इसके लिए मैंने कहा था दो बातें आपको अपने माइंड में रखनी है, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक मिनिमम टेन्योर वन ईयर, मिनिमम टेन्योर, आप पूरी दुनिया में किस देश में पैदा हुए इमेटेरियल, एट प्रेजेंट किस देश में रहते हैं इमेटेरियल, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पैसा कमा रहे हैं वो किस देश के लिए कमा रहे हैं,
रह रहे हिंदुस्तान में और कमा कमा के आप पैसा नेपाल में भेजे जा रहे हैं क्योंकि फैमिली नेपाल में। तो बेशक इंडिया में रह रहे हैं, बेशक इंडिया में पैदा हुए, लेकिन पैसा कमा कमा के नेपाल में भेज रहे हैं। तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेपाल है। तो ऐसी कंडीशन में आप नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेपाल हुए और आपकी कमाई को नेपाल की नेशनल इनकम माना जाएगा। तो मैंने भाषा लिखवाई, समझाई, याद कराई, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू ए पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड इन ए कंट्री इन विच इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। और ऐसा करने से हमारा नेशनल इनकम खत्म होता है। क्या मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द इज नोन एज नेशनल इनकम। और इस क्वेश्चन के साथ हमारे छोटे छोटे कई क्वेश्चन कवर हो गए। पहला फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा एक बात और बता रहा हूं, या प्रोडक्शन बाउंड्री एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके बाहर जितनी वस्तुएं होती है उसे फाइनल गुड्स बोलते हैं और जितनी इसके अंदर होती है उसे सारे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर रिटेलर ट्रेडर कहां बैठे हुए हैं इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री और सारे कंज्यूमर कहां है आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। The production boundary is an imaginary line which creates a distinction between final goods and difference बताया था जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखवा रखी है। तो सबकी चर्चा डिटेल में नहीं कर रहे। अगली बात मैंने आपको कंसेप्ट में समझा दी है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड एक नंबर के लिए स्टॉक बताया था एक पॉइंट ऑफ टाइम की घटना स्टॉक होती है। स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। तुम्हारे मकान की कीमत एक पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाली जा सकती है। आज मकान की कीमत 5 करोड़ रुपया आज की कीमत है, 4 दिन बाद कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, 4 दिन पहले कम थी या ज्यादा थी ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो पॉइंट ऑफ टाइम की घटना क्या कहलाती है स्टॉक। स्टॉक इज द पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल वेल्थ। अगला कंसेप्ट था फ्लो। फ्लो इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। खाना खाने लगे 15 मिनट तक खाते रहे तो 4 बजे से 4 बजे बचकर 15 मिनट तक खाते रहे, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन इनकम इनकम ये सब क्या है फ्लो कंसेप्ट। मतलब मेरा चैप्टर का नाम नेशनल इनकम, इट इज ए फ्लो कंसेप्ट, इट इज ए फ्लो कंसेप्ट। और फिर मैंने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कराया था, ये भी बढ़िया टर्म थी मेरी, डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको एग्जामिनर नाम बदल के पूछता है। महाराजा वालों को हमेशा इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से आता है, किस नाम से आता है महाराजा वाले कहा है, किस नाम से पूछेगा वो इकोनॉमिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी, इस टेरिटरी में जो घटना घटती है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? और डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए मैंने कितनी बातें याद कराई, 5 सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं फिर बोलता हूँ, साथ साथ बोलने की कोशिश करना। सीक्वेंस आगे पीछे, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रंटियर विद टेरिटोरियल वाटर एम्बेसी सिचुएटेड आउटसाइड कंट्री शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ रनिंग बिटवीन टू और मोर देन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फिश गैसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल वाटर। और आखिरी बात थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द, और डिटेल में समझा चुका हूं। फिर मैंने बताया था नेशनल इनकम का मीनिंग बताने के बाद, नेशनल इनकम इस दुनिया में कितने प्रकार की होती है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट नेशनल इनकम एट नेशनल इनकम एट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का वो नाम बदल देता है पेपर में, क्या बोलते हैं उसको नॉमिनल नेशनल इनकम। ऐसे ही नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का भी, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस का दूसरा नाम है, नाम बदल दे की बात। तो मैंने कहा था जो नेशनल इनकम का मीनिंग याद करा उसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जब नेशनल इनकम को निकालने में उसी साल के प्राइस को फॉलो करो, नाम से पता चलता है नेशनल इनकम एट। तो बस पूरी लैंग्वेज एक साथ बोलते हैं, विद द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ
in an accounting year by the normal resident of is based on the price of base year. It is national income at current price या nominal national income. और इसी बात को जब हमने दोबारा करा कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब एक साल को बेस ईयर ले लेते हैं, जैसे इंडेक्स नंबर में करते थे हम जानने की क्लास में, और उस बेस ईयर के प्राइस को अगले 10 साल तक नेशनल इनकम निकालने में फॉलो करते हैं. यानी जिस साल की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं आउटपुट को उस साल का ले रहे हैं, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी बेस ईयर के प्राइस से, ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम ना आए, प्राइस राइज या प्राइस फॉल जैसी प्रॉब्लम ना आए, और इनकम का एक्यूरेट सिस्टम कंपैरिजन में डिक्लेयर हो सके. तो मैंने यहां आखिरी में क्या जोड़ा था, इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर. तो बोलेंगे व्हेन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर इट इज नेशनल इनकम एंड कॉन्स्टेंट प्राइस. या ये हमेशा बेटर होती है उससे, because it does not involve the tendency of price rise as it will reflect the true value of the economy. दिखा चुका हूं true value of the economy. मैंने यहां डिफ्लेटर की बात और करी थी. डिफ्लेटर एक फार्मूला सुना दो जी, फार्मूला सुनाओ जी. डिफ्लेटर नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल नेशनल इनकम मल्टीप्लाई बाय, देखो ये डिटेल चला रहा हूं, एग्जाम में कहीं से कुछ पूछ ले तो मैं. अभी इस बार जो पेपर हुआ ना ट्वेल्थ को, तो मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, कहते हैं भैया बहुत आसान, क्योंकि हमने तैयारी बहुत डिटेल में कराई, बहुत ज्यादा कराई. वो कुछ भी पूछ रहा है बच्चों का, अगर चीजों को शॉर्ट समरी में चलाया जाए तो चीजें छूटेंगी, और चीजें छूटेंगी तो पास हो सकते हो, अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन बढ़िया नंबर नहीं आ सकते. तो 100% तैयारी कराऊंगा, 100% कराऊंगा. तुम पहले दिन से बोलो 100% करेंगे ही नहीं. 100 करते हैं तुम 80 लाते हो, तुम बड़े कलाकार हो. 150 करते हैं तुम, 120 ले आओ. वो स्कूल वालों की लिमिटेशन है, वो 100 से ज्यादा देंगे नहीं. ठीक है जी, तो मेरी बात डिफ्लेटर वाली थी, खत्म हो गई थी. उसके बाद यहां मैंने एक चार्ट बनवाया था फार्मूलों से रिलेटेड. पहला टूल शुरू हो चुका है जो फार्मूलों में कंपलसरी यूज होगा. मैं अगली क्लास में फार्मूले शुरू कर दूंगा. पहला टूल था मेरा कंजम्पशन, ये कंपलसरी प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में शब्द आएगा. शब्द क्या है? कंजम्पशन ऑन. इसका दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल. क्या? डेप्रिसिएशन. क्या? फिर आज इसकी थ्योरी मैंने आपको लिखवा दी, समझा दी. क्या थी थ्योरी? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू, याद है तो पहले थी, नॉर्मल ईयर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. एक नंबर के लिए आया, एक लाइन लिख दिया. अगली बात मैंने आपको यहां लिखवाई थी कैपिटल लॉस. इसका दूसरा नाम बताओ क्या होता है? अरे पहले डेप्रिसिएशन बता दूं, ये समझाने की तो जरूरत नहीं है ना. जब कोई फिक्स असेट डे बाय डे यूज करते हो, पहली बात तो 50,000 का स्कूटर खरीदा, खरीदते ही 40,000 का रह गया, क्योंकि खरीदने के बाद अभी आउट ऑफ फैशन हो गया, अब ये सेकंड हैंड हो गया, 10,000 कीमत कम हो गई. इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, आउट ऑफ फैशन की वजह से दाम कम हो रहा है. फिर उसे 4 दिन यूज करते हो तो यूज करने से टूट फूट हो जाती है, उसके दाम कम हो जाते हैं, उसे बोलते हैं नॉर्मल वियर. खरीदते ही 40,000 का रह गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, व्हिच कैन बी फोरकास्ट. पहले ही पता था खरीदते कम हो जाएगा, और उसके बाद 5,000 रुपया घिस गया, तो टोटल 15,000 की डेप्रिसिएशन हो गई. एग्रीगेट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड. दूसरी बात कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस का दूसरा नाम मैंने बताया था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, का मतलब फिक्स असेट की वैल्यू घट जाए जिसका आप फोरकास्ट ना कर सकते. स्कूटर खरीद के लाए इसलिए कि अगले 10 साल तक उसको यूज करेंगे, वो पता चला अगले दिन मोहल्ले से गायब, चोरी हो गया. यू कांट बी फोरकास्ट फंड भी, और नुकसान हो गया कैपिटल, या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड फायर अर्थक्वेक. दूसरी भाषा मैंने इसकी लिखवाई थी क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स व्हिच कैन नॉट बी,
which cannot be. फिर इससे रिलेटेड हमने तीन तीन चार चार नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये टेक्स मैंने कराया था यहां से हमें आज ये मैंने अब तक पुराना रिवाइज कराया ताकि आपको आगे की बातें समझ आ सके। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चनों के 8 फार्मूले बनाना चाह रहा हूं का मतलब मैं एक ही फार्मूला यहां लिखने वाला नहीं हूं। मैं तीन कंसेप्ट समझाऊंगा और फार्मूले अपने आप बनाते रहना। अरे रट्टे मारो के फार्मूले तो क्वेश्चन अगले 200 सालों तक बोर्ड के अटेंड नहीं होंगे, क्योंकि जो आप रट्टा मारोगे वो पेपर वाला अप्लाई नहीं करेगा। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिए का मतलब फार्मूले बनाने सीख लिए तो क्वेश्चन को देख के फार्मूला प्राप्त करोगे। जमा घटा में गलती कर दी तो तुम जिम्मेदार, कंसेप्ट जमा घटा दोबारा चेक कर लो, आता तो है जल्दबाजी में कोई क्लैरिकल मिस्टेक। तो मेरे पहले 8 फार्मूलों पर जाने के लिए मुझे 3 कन्वर्टर सिखाने हैं आपको, जिसमें से पहला खत्म हो चुका है, असम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, या उसका दूसरा नाम, दूसरा मैं शुरू करना चाह रहा हूं, दूसरा कन्वर्टर है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा कन्वर्टर है फार्मूलों का। उसके लिए हम थोड़ा डिटेल टैक्स, ये अपने आप से पेपर से रिलेटेड कोई शब्द नहीं है, ये पेपर की टर्म से, फिर भी टैक्स बताता हूं। एडिशनल चार्ज इंपोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सोसाइटी, सरकार कान पर बंदूक लगाए 5 रुपए छीन के भाग जाए, तुम अपनी मर्जी से देना, इसीलिए इसे बोल रहे हैं इंपोजिशन, थोप जाता। तो मैं टैक्स के बारे में क्या बोल रहा हूं, एडिशनल चार्ज इंपोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सोसाइटी। ये टैक्स इस दुनिया में 2 प्रकार का आता है, अब आ रहा हूं पेपर से रिलेटेड। टैक्स कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इसके पापा ने बहुत सारे पैसे कमाए, अपने माल वैसे कमाते ही हैं, बहुत सारे पैसे कमाए। अब इसके फादर के ऊपर जो पैसे कमा रहा है ना, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, इसे बोलते हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं, जब फादर के ऊपर उनकी कमाई के ऊपर टैक्स लगाया है तो पे कौन करेगा, सिर्फ वही जो पैसा कमा रहा है, और ये बर्डन किसी और पर शिफ्ट। पिताजी ने पैसा कमाया तो पिताजी के ऊपर टैक्स लगेगा, ये नहीं कल को बच्चा पे करेगा, नो नेवर। मिस्टर एक्स कमाएगा तो एक्स के ऊपर टैक्स लगाएगी सरकार, और एक्स ही पे करेगा, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसे बोलते हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, जो फाइनली टैक्स को झेलता है उसे बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं, ये ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर लगता है वही फाइनली पे करता है, और इसका बर्डन किसी और पर स्विच ओवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, एग्जांपल है। और भाषा खत्म होती है एक नंबर के लिए, when the imposition of tax and incidence of tax bear by the same person it is direct tax, for example income। आ गया, फिर बोलो, when the imposition of tax and incidence of, अब ना हम लोग अपनी चलाकियां में आते हैं, मैंने समझा दिया, लिखवा दिया, और पेपर में पता क्या लिख के आते हैं, हमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स। अरे पहले इंपोज होता है, बाद में इंसिडेंस होता है, इसको अपना दिमाग मत लगा लेना। पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, हमें इंपोजिशन ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स बियर बाय द सेम पर्सन इट इज डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। बाद में लिखेंगे, पहले अगला समझो। फैक्ट्री है, बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है, जितना माल फैक्ट्री में बनाता है, सरकार ने कान पे बंदूक लगाई का 5 रुपए, सरकार ने बंदूक लगा रखी, कुछ बोल नहीं सकता। 10 रुपए में माल बनाया है, कस्टमर को 10 का बेचना था, लेकिन सरकार ने कान पे बंदूक लगाई तो चुपचाप 5 रुपए दे दिए। जी हजूर, दे दिए 5 रुपए, अपनी जेब से कौन देगा, फैक्ट्री धोना बंद करके घर जाना है। तो क्या कलाकारी करता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर छापता है एमआरपी, वैसे 10 का बेचना था, अभी एमआरपी लिखता है 15 रुपए, और ब्रैकेट में लिखता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, और 5 रुपए जो सरकार को दिए हैं ना, और कुछ बोला नहीं सरकार को, कस्टमर की जेब से चुपचाप निकाल के ले आता। तो टैक्स लगा किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, और पे कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पुराने जमाने में इसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी।
वक्त बदला, प्रोडक्शन टैक्स को बोलते थे एक्साइज, वक्त बदला इसका नाम रखा गया मॉडरेट, वक्त बदला नाम रखा गया सैनवेक, वक्त बदला गया नाम रखा गया वैट, और ये वैट आजकल हमारे देश में किस नाम से फेमस है, जीएसटी, किस नाम से, जीएसटी बोले तो गुड्स एंड, तो लग रहा है प्रोड्यूसर के ऊपर, और वो प्रोड्यूसर कस्टमर की जेबी निकाल रहा है सारा, लेकिन खुद सरकार को लेके आ रहा है। When the imposition of tax and incidence of tax bear by different person, it is indirect tax, for example, GST. और लिख लो दोनों। यहां से लिखिए जी। देख देख लिया ना। नहीं बच्चे ना, पादर का मोबाइल, मदर का मोबाइल, तेरे को भी ना लिखना है, इसी बैच में हो जाएगा, और वहां से जाते बोलेगा तो वहां से भी हटाता हूँ। अभी याद किया, अरे याद करते हुए समझते हुए टॉपिक को चलाना है, और हर अगली क्लास में पुरानी चीजें रिवाइज करके आनी है। हफ्ते 10 दिन में टेस्ट सीरीज का भी खेल शुरू कर देंगे, जितना हो जाएगा उस पर बेस टेस्ट चलेंगे। मोबाइल नंबर मदर फादर का ही लिखना है, अपना नहीं लिखना, ठीक है जी। चले आगे, एक बार इसको सुनो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा दूसरा फार्मूले का टर्म है, कन्वर्टर है। पहला मैंने बताया असम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, असम्पशन ऑन, इसका दूसरा नाम क्या है, वो हर बार क्वेश्चन में नाम बदल देगा। दूसरा कन्वर्टर मेरा क्या है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझा दिया, क्या समझा दिया, अब मैं सब्सिडी समझा रहा हूँ, सुनना है जी बात, मत आता। सब्सिडी का मीनिंग क्या है, कैश ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू रिड्यूस द कंपटीशन का मतलब, एक एग्जांपल सुनाता हूं। हिंदुस्तान में 2000 के आसपास, ईयर 2000 एडी, मारुति कंपनी ने कार इंडस्ट्री पे कब्जा कर रखा था, करीब करीब 90% मार्केट का होल्ड मारुति, मारुति बोले तो जॉइंट वेंचर ऑफ सुजुकी मोटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तो जॉइंट वेंचर खत्म हो चुका है, सुजुकी मोटर्स ने इंटेक कर लिया पूरा, सुजुकी मोटर्स ऑफ जापान, उसे मार्केट में होल्ड कर लिया। ट्रक बनाने में स्पेशलाइजेशन था टाटा, उसने उस जमाने में कार सेगमेंट में एंट्री करी और इंडिगो नाम की गाड़ी इंट्रोड्यूस कर दी, इंडिगा कार इंट्रोड्यूस कर दी। जब उसने इंट्रोड्यूस करी तो सरकार ने सारी कारों पर टैक्स लगा रखा था, अरे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, टैक्स लगा रखा था, माना 10%,
तो जब सब कारों पे लगा रखा है तो इंडिका पे भी लगा दिया कि 10% टैक्स लगाने से कार का दाम बढ़ता है, कार का दाम बढ़ने से क्या कंपटीशन झेलना मुश्किल होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं मार्केट में सर्वाइव करना। तो ये कंपनी टाटा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि अब नंबर वन इंडिजिनस है, मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं, दूसरी कंपनियां भारतीय हैं, तो हमें कुछ रिलैक्सेशन दे दो टैक्स का। और इसके इस स्टेटमेंट पर सरकार ने इन्हें 3% टैक्स में रिलैक्सेशन दे दिया, नॉन सब्सिडी। तो सारी कार इंडस्ट्री पर लगा हुआ है 10%, इसके ऊपर भी 10% लगाया, लेकिन इसको 3% की रिलैक्सेशन दे दी और इसका नेट बर्डन 7% हो गया, यानी ये कार मार्केट में सस्ती हो गई। और सस्ती हो गई तो बाजार को होल्ड करने में कामयाबी मिल गई। यू समझ में आ गया? तो अब मैं सब्सिडी का मतलब बता रहा हूं, कैश ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर, क्यों? टू रिड्यूस द कंपटीशन। अरे जितना सब्सिडी देगी, जितना कंसेशन देगी, उतना मार्केट में कंपटीशन उसका कम हो जाएगा ना, उसकी कीमत कम हो जाएगी, वो जल्दी बेच पाएगा, ज्यादा बेच पाएगा। सब्सिडी क्लियर हो गया? और अब मैं समझा रहा हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स फार्मूला क्या हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सरकार ने 1000 रुपए का टैक्स लगा दिया आपके ऊपर, और आपकी स्टेटमेंट जो भी थी जिसके अगेंस्ट उस इंडस्ट्री पर सरकार ने, अरे हैंडीक्राफ्ट पर रिलैक्सेशन होता है हमेशा सब्सिडी के नाम से, हैंडलूम पर होता है, सरकार ने बहुत सारी चीजों को ना रिलैक्सेशन के दायरे में रख देती है सरकार एज पर द पॉलिसी कि ये चीजें प्रमोट होनी चाहिए, तो उनको सस्ता करो, टैक्स कम कर। तो सरकार इसके ऊपर मान लो 200 रुपए की सब्सिडी दे दे, तो टैक्स नेट कितना बड़ा? 800। इसे क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को या तो मीनिंग लिखना हो तो बड़ा आसान है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स एंड भाषा बदल रहा हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस द नेट बर्डन। अरे जितना टैक्स लगता है उतना बोझ है जो प्रोड्यूसर झेलता है, कस्टमर की जेब से निकालता है। सरकार इसकी जगह 1000 काटती तो 1000 रुपए कस्टमर की जेब से निकाले जाते, अब 800 निकाले जाते। नेट बर्डन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर व्हिच इज इनडायरेक्टली पेड बाय द नेट बर्डन। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितना बर्डन एक्चुअली में था उतना नहीं है, उसमें कुछ रिलैक्स हो चुका है, कुछ माइनस हो चुका है, और माइनस होने के बाद जो बचा है नेट बर्डन है, वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस नेट बर्डन imposed by the government on the production of producer which is indirectly paid by the consumer. NIT का मीनिंग बोल दिया और उसके नीचे एक फार्मूला IT माइनस सब्सिडी NIT लिखो, खत्म करो। एक नंबर का सब्सिडी, एक नंबर का NIT। और मेरा दूसरा कन्वर्टर फार्मूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट समझ के फार्मूले करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया। बच्चे की पहली क्लास और नाम ना लिखा उसने। तीसरा कन्वर्टर NFIA, तीसरा कनेक्टर NFIA बोले तो नेट कनेक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA बोले तो। और NFIA पर जाने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल तैयारी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उतारे जी चार्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हेन स्टार्ट प्रोडक्शन देयर इज नीड फॉर फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल एंड बनाए जी। लैंड के बदले में क्या मिलता है, लेबर के बदले में, कैपिटल के बदले में, और ऑर्गेनाइजेशन के बदले में, फैक्टरी बना लिया।
When you start the production, there is a need of four factors of production: land, labor, capital, and organization. जब भी माल बनाने के लिए चार चीजें लेके आते हो तो मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता, घट से लाओ, अपने आप को पैसा देना है, बाहर से लेके आओ उसको देना है। तो इन चारों फैक्टर्स के बदले में व्हाट एवर यू हैव टू पे, क्या पे कर रहे हो? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के बदले में। तो चार फैक्टर को लगाने के नाम से आपको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के नाम से कमाई हो रही है। ये क्या है? फैक्टर्स का रिवॉर्ड, यानी फैक्टर इनकम, फैक्टर फैक्टर। इस फैक्टर इनकम में मुझे एक एक नंबर की चार टर्म्स करानी है, और पहली टर्म मेरी शुरू होती है लगान, रेंट। सुने कभी रेंट का नाम आपने? पूरी क्लास सुनाओ, प्रबंधा, डू यू मीन बाय रेंट? सब कुछ है, यू आर सो इंटेलिजेंट, टेल मी द स्टोरी ऑफ रेंट। बोलो जी, रेंट नाम सुने? पता तेरे को? बताओ, इस दुनिया में सबसे पहला आदमी जिसने शब्द बनाया था उसका नाम रिकार्डो। नाम क्या? रिकार्डो। ये नाम मैं अपनी नॉलेज के लिए बताता हूँ। 12th के लेवल में नाम लिख के बगैर आप स्टेटमेंट लिखाओगे नंबर मिल जाएंगे। ये किताबों में भी नाम नहीं लिखे हुए। तो रेंट शब्द सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बनाया उसका नाम क्या? और रिकार्डो ने रेंट के बारे में जो कहा वो ध्यान से सुनना, ताकि एक ही बारे में बोलने की पोजीशन आता है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज द रिवार्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड इंडेस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ लैंड। बोलो एक बार और सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज द रिवार्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड इंडेस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ लैंड। फिर सुनो। According to Ricardo, rent is the reward of fertility and indestructible power of land. Start. The reward of. Of. Land. बोल भाई। इंडिस्ट्रक्टेबल डिस्ट्रक्शन से बनाया ना, इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ लैंड। बोलो जी, रिवार्ड ऑफ, सब बोलेंगे अच्छा। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज द रिवार्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ लैंड। रेंट इज, अब रिकार्डो लिखो नहीं लिखो तुम्हारे नंबर कम ज्यादा नहीं होने वाले, तो हम बिना रिकार्डो के भी बात याद रख सकते हैं। रेंट इज द रिवार्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ, रेंट इज द रिवार्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड, रेंट इज द रिवार्ड ऑफ। अब ये तो हो गया रट्टा मारना। उसने उस जमाने में जो कहानी सुनाई थी, सुनोगे या ऐसे रट्टा मारोगे? सुनेंगे तो सुनो फिर कहानी। उस जमाने में क्या कहा था? उस जमाने में रिकार्डो ने ऐसा चार्ट बनाया और कहा नीचे ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ है टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी एंड इंडस्ट्रक्टेबल पावर का मतलब ये अलग अलग टाइप ऑफ जमीन है। सबसे पहली वाली जमीन मोस्ट फर्टाइल लैंड, रिवर्स के आसपास वाला इलाका मोस्ट फर्टाइल था। उस जमाने में जब लोग कम थे और जमीनें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो लोग कब्जा जो मर्जी जमीन पर नहीं करते थे। जो सबसे उपजाऊ जमीन होती थी, सबसे फर्टाइल लैंड होती थी, यानी रिवर के आसपास वाला प्लेन इलाका, वहां वो कब्जा करते थे। मोस्ट फर्टाइल ये नदियों से दूर वाला, उससे कम फर्टाइल, उससे कम, उससे कम, उससे कम। रिकार्डो जी महाराज कह रहे थे, ये समझ में आ गया। अब शुरू में जब पहली बार लोग प्रकट हुए और जमीन ज्यादा, तो लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन की ये फर्टिलिटी पावर इतनी ताकत है, इतना प्रोडक्शन जमीन की वजह से इतना प्रोडक्शन होता है, जिसे पैसे में निकालो कि घुस में निकालो, ये जमीन की ताकत है, फर्टिलिटी पावर ऑफ द लैंड। और जब तक ये जमीन अवेलेबल है और लोग, हमें इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो रेंट। रिकार्डो जी समझा रहे हैं,
No, in this land is treated as marginal land. आबादी बढ़ती गई और ये जमीन खत्म हो गई। जब ये जमीन खत्म हो गई और आबादी उससे ज्यादा हो गई तो ये जमीन तो है ही नहीं, तो आबादी ने इसके साथ वाली जमीन पर कब्जा कर लिया जिसकी फर्टिलिटी पावर इसकी पावर से कम थोड़ी सी थी, और ये जमीन अपनी ऑफकोर्स हो गई। और अब रिकार्डो कहता है, माना इस जमीन का एक आदमी और इस जमीन का आदमी आपस में अपनी जमीन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। इधर वाला आदमी कहता है, तेरी 100 गज की जमीन मेरे को दे दे और मेरी 100 गज की जमीन तू ले ले, जमीन एक्सचेंज कर, जमीन 100 गज अपनी दे दे और मेरी वाली 100 गज ले ले। तो ये आदमी कहता है, मेरी जमीन की ताकत तेरी जमीन से इतनी ज्यादा है कि जमीन की ताकत है, हर महीने इतने पैसे एक्स्ट्रा दे दे कर ले। इसी को बोला अकॉर्डिंग, वही जमीन का किराया था, जमीन खत्म हो गई, ये जमीन आ गई और फिर इस पे जाएंगे तो इसके कंपैरिजन में यहाँ रेंट इतना तैयार हो गया और यहाँ पर रेंट। ये रेंट क्या है, उस जमीन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है जो बाकी जमीन की तुलना में, अरे करोलबाग में करोड़ करोड़ पे चले जाओ, किराया ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा आती होगी तभी तो ज्यादा किराया है, उसके कंपैरिजन में यहाँ रिटर्न कम आती होगी, किराया कम है, पहाड़ों पे ये पहाड़ किराया कम होगा, तो वो जमीन की ताकत ज्यादा मोर रेंट कम। कुल मिला के आपको लैंग्वेज बोलता हूँ, लिखो और खत्म करो, रेंट इज द रिवार्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड इंडेस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ लैंड, लिखो और खत्म करो। आदमी का नाम अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहो लिखो, मत लिखो आपकी इच्छा, आदमी था जिसने बताया रिकार्डो और मैंने उसी की लैंग्वेज लिखवाई। अगला बोलो पेजेस, जब आप अपनी सर्विसेज किसी को देख के आते हो तो बदले में जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, वेजेस। लैंग्वेज सुनो और याद करते हुए लिखो, वेजेस इज द रिवार्ड ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज, वेजेस क्या है, रिवार्ड ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज, अपनी सर्विसेज किसी को दो बदले में पैसा ले आओ, वेजेस। Wages is the reward of rendering the services. Rent वाला दोबारा बोलू क्या, किसी का रह गया हो तो, rent is the reward of fertility and indestructible power of land. Wages is the reward of rendering the services. चले अगले पर, ब्याज के बारे में कभी सुना है, इंटरेस्ट सुने, पता क्या होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज होता है। मैं अगली बार पूछूंगा तू तमिल में बोलती हो, उससे अगली बार आंध्र तेलुगु में बोलती हो, ब्याज क्या होता है या इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी बात है, भाषा मत बदल, इंटरेस्ट लेट इट बी अज्यूम इसका चार दिन बाद बर्थडे आने वाला है, अरे आने वाला नहीं है, लेट इट बी अज्यूम इसका 4 डेज बाद, और ये बर्थडे की पार्टी देना चाह रहा है और पार्टी में हजार रुपए खर्च करना चाह रहा है और उसकी जेब में एक सिक्का नहीं, लेकिन इसको पता चल गया कि इसका जो लंगोटिया यार है उसकी जेब में हजार रुपए पड़े, हजार रुपए पड़े। एक बात बता दूं, जिसकी जेब में 5,000 की घटी है ना, वो जेब में पैसे पड़े इस बात की खुशी होती है, अच्छा अच्छा लगता है क्योंकि पैसे हैं, चखर सुना करने हो, लेकिन जेब में पैसा है ये अपने आप में खुशी है, ठीक है जी। तो उसकी जेब में 1,000 रुपए पड़े हैं, उसे खर्च नहीं करने, ये भी बताए थे, तो ये इसको कहता है, देख भाई तू मेरा दोस्त है ना, 1,000 रुपए दे दे, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, सबको दावत दूंगा और तेरे पैसे 2 महीने बाद तेरे को दे दूंगा, उसको भी पता दे देगा, लेकिन वो कहेगा दोस्ती छोड़ दूंगा, कैसे कहते रहते हैं, उसको इस बात के लिए डाउट नहीं कि तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, दोस्त है पक्का मिल जाएंगे, उसे पता है, लेकिन भैया जेब में पड़े अच्छा अच्छा लगता है, उसको दे देगा तो डिस्कम्फर्ट, पैसा जेब में नहीं है अच्छा अच्छा नहीं लगता, डिस्कम्फर्ट,
दोस्ती वोस्ती कैंसिल, कोई दावत वावत नहीं, खबरदार मोहल्ले में मत। कहते नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सुन, ₹1,000 दे दो, महीने बाद 1,050 दूंगा। वो कहते हैं अब ठीक है, अब ठीक है, अब तू ले जा ₹1,000, एक और 1,000 दियो तो बताइए। अब उसे डिस्कम्फर्ट का कीमत मिलता है, डिस्कम्फर्ट का अलाउ, ले जाओ यही ₹50 ब्याज। क्या ये इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइसिंग द कैपिटल। इस दुनिया में किसी को कितना पैसा चाहिए, मिलता है कीमत पर, और उस पैसे की कीमत है, पैसे की कीमत है पता ही नहीं, इंटरेस्ट, पैसे की कीमत है इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला है, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ, लिखो When you sacrifice the money, you feel discomfort, so you charge additionally known as vyaj. When you sacrifice capital, you feel discomfort and charge additionally, link mat lena ye, ek line kaafi hai. Interest is the reward of sacrificing the antim shabd, profit. सबसे पहले आते हैं, तीन भाषाएं बोल रहा हूँ, तीन अलग अलग लोगों की, शुम्पीटर प्रोफेसर नाइट प्रोफेसर होले, नाम नाम भी लिखने देने ऐसे सुन लो। सबसे पहला आदमी प्रॉफिट के बारे में बोलता है इट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग फैक्टर, वक्त बदला। दूसरा आदमी बोलता है इट इज द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, और तीसरा आदमी आया बोलता है इट इज द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रॉफिट की तीन तीन थ्योरी बनी हुई है। सबसे पहले क्या थी, रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग फैक्टर, दूसरी रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, तीसरी रिवार्ड ऑफ इनोवेशन। रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग फैक्टर, रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, रिवार्ड ऑफ इनोवेशन। मैं सिर्फ पहली वाली ही आपको लिख पा रहा हूँ और वही समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके जेब में ₹500, जब ₹500 में वस्तु एक्स खरीद ली और दुकान लगा ली उसकी, अरे वस्तु एक्स खरीद ली, बहुत सारे उसके यूनिट ले आया। अब रिस्क है कि जब चीजें बेचेगा तो वापसी मनी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, रिस्क है। अरे चीजों पर डेप्रिसिएशन होती है, अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई तो जितने में खरीदी लोग उसके आधे भी नहीं देंगे और सड़क पर फेंकना पड़ेगा। रिस्क है कि जिन चीजों में पैसा लगाया है कल को वापस मनी में कन्वर्ट होगा के, इस रिस्क के बदले में आप ज्यादा चाहते हैं। आपने ₹500 पेनों में लगा दी, एक पेन की कीमत ₹2, तो आपको ₹4 में इसलिए बेचना चाहते हो क्योंकि रिस्क है। अब जल्दी से जल्दी अपने पैसे को रिकवर करना चाहते हो, उसके बाद पैशन खत्म भी हो जाए और तुम्हारे पास 5 मिनट बच जाए तो नोट तो आ चुके हैं। रिस्क को कवर करने के लिए यू चार्ज मोर नोन एज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग फैक्टर, लिख कर कदम करो। Profit is the reward of this bearing factor.